हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एचके। जैसा कि आप सबको पता है कि दिवाली आ रही है, तो दिवाली में कुछ शानदार और धमाकेदार तो करना बनता है। तो इस बार की दिवाली को और स्पेशल बनाने के लिए लाए हैं 5 क्रिएटिव पोजेस, जिसको क्लिक करके आप भी अपनी दिवाली को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, अपनी पोस्ट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते। तो यार, ये दिवाली स्पेशल वीडियो काफ़ी शॉर्ट एंड बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होने वाला है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को अनेबल कर लेना, ठीक है? तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, इस वाले शूट में अपन काम में लेने वाले निकोन का D7500, उसके ऊपर 50mm निकोन का प्राइम लेंस 1.8 एपर्चर के साथ, ठीक है? तो गाइज, इस वीडियो में अपन को थोड़ा क्रिएटिव काम करने के लिए चाहिए कुछ एक फंवारे, जमीन चक्री और कुछ एक फुल जड़े, जिसको अपन यूज़ करके काफ़ी कमाल की फ़ोटोज़ लेने वाले हैं। तो गाइज, आगे अपन छत पे, क्योंकि छत पे बैकग्राउंड में बहुत सारी लाइट्स अपन को देखने को मिल जाती है, ठीक है? देन अपन को इस पोज के लिए अपन को दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी, एक जमीन चक्री और एक फंवारा, ठीक है? देन फ्रंट में अपना कैमरा लग जाएगा कुछ इस तरीके से, जमीन चक्री को जलाना है, देन अपन को सिमिलर टाइम पे अपन को फंवारे को जलाना है, और फंवारे को जलाते हुए कुछ इस तरीके का पोज देना है, ठीक है? जो गाइज, अपना जो फोटो क्लिक होने के बाद और थोड़ा सा करेक्शन करने के बाद बहुत ही कमाल का निकल के आने वाला है, ठीक है? तो गाइज, दूसरे वाले पोज के लिए अपन को बेसिकली दो फुलझड़ी और एक फंवारे की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है? तो मेरे को शूट करते टाइम ये सीढ़ी दिख गई, तो इसी के साथ कुछ क्रिएटिव शूट करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली दो फुलझड़ियों को जड़ा के और हाथ में कुछ इस तरीके से, या फिर आप कुछ एक अपने पोज को चेंज भी कर सकते हैं। एक बंदा बैकग्राउंड में फुहारा जला देगा, जिससे निकलने वाली चिंगारियों से बहुत ज़्यादा बुके में है, बहुत ही शानदार इफेक्ट निकल के आने वाला है। और गाइज, आप देख सकते हो फाइनली इस क्लिक को थोड़ा सा एडिट करने के बाद जो क्लिक है वो अपनी काफ़ी कमाल के निकल के आई है। तो गाइज, तीसरे वाले पोज के लिए हम बेसिकली जो भी डेकोरेशन के लिए लाइट वगैरह लग रखी है उनका यूज़ करने वाले हैं। तो अपन क्या करेंगे, बेसिकली जो लाइट्स है उनको कुछ इस तरीके से अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर लेंगे। देन आप चाहे तो पोज चेंज कर सकते हैं, मैं कुछ इस तरीके से ज़मीन पर बैठूंगा। देन कैमरा है वो कुछ इस तरीके का शॉट बनाएगा, और थोड़ा सा करेक्शन करने के बाद गाइज आप देख सकते हो काफ़ी कमाल की फ़ोटो निकल के आई है, ठीक है? और मैंने कुछ एक और फोटो ली है जो थोड़ी साइड एंगल से, तो गाइज आप ये देख सकते हो, ये भी सिटिंग की पोज है, बट ये भी कमाल के निकल के है। तो गाइज, अब चलते हैं अपने चौथे पोज की तरफ। चौथा पोज बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी इसमें चाहिए होगी। तो अपन क्या करेंगे, बेसिकली इसमें अपन को एक फुलझड़ी चाहिए होगी और 1 मीटर लंबा इसमें धागा लगने वाला है, ठीक है? तो फुलझड़ी के पीछे की साइड को कुछ इस तरीके से बैंड कर देंगे, बैंड करके धागे को कुछ इस तरीके से इस पर बांध देंगे। देन इस बांधने के बाद क्या करना है कि कुछ इस तरीके से इसको गोल गोल घुमाना है, ठीक है गाइज? अपन लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी करने वाले तो अपने कैमरे की सेटिंग को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो इसमें अपना ISO है वो अपन को मिनिमम पे, यानी कि अभी मैं 100 पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद अपन को शटर स्पीड है, शटर स्पीड यानी कि अपन शटर लॉन्ग टाइम के लिए खुला रखना अपन को। तो अपन क्या करेंगे, अभी इसको मैं माइनस में लेके चल जाऊँगा। देन इसका शटर स्पीड लगभग मैं रखूँगा 6 पे, ठीक है? और जो एपरेचर है गाइज, क्योंकि शटर स्पीड ज़रूरत से ज़्यादा डाउन है, तो अब ज़रूरत से ज़्यादा लाइट कैमरे में आने वाली है, तो अपन इसको मैनेज करेंगे एपरेचर से। तो F नंबर को मैं एक्सटेंड कर दूंगा, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं, बट मैं अभी इसको कर रहा हूँ 16 पे, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे, अपन को मिनिमम लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, तो अपन इसमें लाइट को लगभग 1 सेकंड के लिए जला के और बंद करने वाले हैं। देन पीछे जो बंदा रहेगा बैकग्राउंड में वो कुछ इस तरीके से घुमाता हुआ जो पास आउट हो जाएगा सीन से, ठीक है? तो गाइज, मैं कुछ इस तरीके से सामने खड़ा हो जाऊँगा, आप पोज को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? और आपको विदाउट हिले डुले आपको कुछ 1 सेकंड आपको ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा। जो फाइनली रिजल्ट है गाइज, वो अपन थोड़ा सा एडिट करने के बाद काफ़ी कमाल का निकल के आया, आप देख सकते हो काफ़ी क्रिएटिव लग रहा है और अलग से यूनिक टाइप का लग रहा है, ठीक है? तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पोज की तरफ। फाइनली अपन पहुंच गए हैं अपने पांचवें पोज की तरफ। फाइनली इस पोज में अपन को क्या करना है, अपने भाई मनीष को क्या करेंगे, थोड़ी सी लाइट हाथ में अपन ने पकड़ा दी और कुछ एक लाइटों को अपने कैमरे के लेंस के फ्रंट साइड में अपन ने रख लिया और उनके बीच में से होते हुए, तो गाइज जो मेन लाइट सोर्स है अपन ने LED जो इनके हाथ में उन्हीं को रखा है। तो आप देख सकते हो ये फोटो काफ़ी कमाल की निकल के आई है, और जो फ्रंट साइड में जो छोटी छोटी LED आई है वो बुके के अंदर काफ़ी अलग से लग रही है। तो गाइज यार, उम्मीद करता हूँ आपको ये दिवाली स्पेशल जो 5 क्रिएटिव पोज वाली वीडियो है काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को अनेबल कर लेना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।